हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाय न्यूज़ अंकुर महेंद्रता। भाई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कल रात को देखो 12:30 बजे मेरी इस खबर के ऊपर नजर गई थी। मैंने कहा भाई सुबह होने दो, कुछ और सोर्सेस से आने दो, कहीं और बड़े मीडिया पेज पे आने दो तो बात करेंगे। पर भाई रात रात में ही ये खबर इतनी फैल गई कि भाई चारों तरफ आग लग गई। ऑल दो इस खबर को आए हुए 20-22 घंटे हो चुके हैं। भाई मैं बात कर रहा हूँ थला अजीत इन केजीएफ चैप्टर 3 यानी कि प्रशांत यूनिवर्स में भाई थला अजीत की एंट्री। ये बहुत बड़ी खबर है जो भाई साहब इंडिया मीडिया को और भाई साहब इंडियन सिनेमा जगत को हिलाकर रख सकती है, क्योंकि आपको पता है केजीएफ जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। अगर आप पार्ट 3 में भाई अजीत सर की एंट्री हो जाएगी तो सोचो वो फिल्म कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। खबर आई कहाँ से, एक तमिल मीडिया भाई पेज है डीटी नेक्स्ट, उस बंदे ने इस खबर को ब्रेक किया और उसके बाद चारों तरफ तो भाई तबाही मच गई। पर हुआ क्या, उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको रीट्वीट किया और भाई कमेंट बॉक्स में जाकर बोला ये खबर झूठी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रशांत नील बहुत बिजी है और टेक्निकली अगर आप देखें तो सही में वो बहुत बिजी हैं। अभी जूनियर एनटीआर के साथ उनकी एक फिल्म आनी है, फिर भाई केजीएफ के ऊपर वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट लॉक कर चुके थे, सलार 2 है और साथ साथ बताया जा रहा है प्रभास के साथ उनकी एक और फिल्म है जो कि दिल राजू उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो कहां से थला अजीत के साथ फिल्म आएगी। क्योंकि उस बंदे ने सिर्फ इतना ही नहीं बोला कि भाई थला अजीत की केजीएफ चैप्टर 3 के अंदर एंट्री, उन्होंने उनसे 3.5 साल का समय मांगा है, पूरा 3.5 साल का। उस 3.5 साल के समय के अंदर उन्होंने बताया है कि मैं अजीत के साथ एक फिल्म बनाऊंगा, स्टैंड अलोन फिल्म, और साथ साथ उनका वही उसका कनेक्शन बैठाएंगे किसके साथ, केजीएफ चैप्टर 3 के साथ। तो मतलब प्रॉपर यूनिवर्स की तैयारी की है, उन्होंने ऐसा बताया है। अब जब बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिविटी या फिर बोला कि ऐसा नहीं है तुम झूठ बोल रहे हो, तो उन्होंने फिर से एक बार ट्वीट किया, कौशिक राजपूताना करके उनका नाम है, और उन्होंने बोला भाई क्लैरिफाई करना मेरा काम नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा और जब ये रियल में अनाउंसमेंट होगी तो तुम और को तब याद आएगा कि मैंने क्या बोला था। अब बताया तो ये भी जा रहा है कि भाई ये बंदा जब भी खबर ब्रेक करता है 99% इनकी खबर सही होती है। मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा चेक नहीं करा कितनी खबर सही है कितनी नहीं है। हाँ मैं उनको फॉलो करता हूँ, ब्लू टिक भी है उनके पास, कौशिक राजपूताना करके नाम है उनका, नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। भाई इतना कह सकता हूं अगर ये हो गया भाई थला अजीत की के जो चैप्टर 3 के अंदर एंट्री हो गई तो वो सबसे बड़ा दिन होगा और उस वक्त जो रिकॉर्ड्स बनेंगे, क्योंकि के जो चैप्टर 3 अपने आप में ही इतनी गर्म फिल्म है और उसमें भाई अजीत सर की एंट्री समझो सारे रिकॉर्ड गए, फिर कोई रिकॉर्ड बचेगा नहीं। मैं तो चाहता हूं हो, एज ए सिनेमा लवर ऐसा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, क्योंकि मैडनेस देखने को मिलेगी थला अजीत की और भाई साहब जो यश है वो तो है ही दिलदार। तो आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो और आपको क्या लग रहा है इस खबर के अंदर कितनी सच्चाई है वो भी जरूर बताना।